आए, बड़े अच्छे लगते हैं, बल्कि बड़ा अच्छा लगता है जब आप शुरुआत करते हैं हफ्ते की पार्टी मोड में, जैसे कि हमने किया, और जैसे कि बड़े अच्छे लगते हैं मैं, राम और प्रिया ने किया। अब जरा सोचिए ना, सोमवार का दिन एंड यू ऑलरेडी इन पार्टी मोड, तो वीकेंड आते आते क्या होगा हाल? जो भी होगा बड़ा धमाल होगा जी। के पहले दिन ही अगर पार्टी का आगाज हो जाए तो भला इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता है। अब राम और प्रिया को ही देख लीजिए जो पार्टी कर रही हैं। अब आए हैं तो जरा देखिए ना, सबके सामने ये कैसे एक दूसरे की आंखों में खो गए हैं। अब भी पार्टी करने के लिए कोई ना कोई बहाना तो चाहिए ना, तो ऐसे में शिवीना को मिल गया है एक बड़ा बहाना पार्टी करने का। वो क्या है ना, शिवीना और शिवम ने हाल ही में राम के साथ कुछ बदतमीजी कर दी थी, जिसको लेकर माहौल थोड़ा टेंशन भरा हो गया था। फिर क्या, बहन शिवीना को लगा कि अब तो भाई को थोड़ा खुश करना चाहिए, तो इसीलिए उसने एक पार्टी थ्रो कर दी। ये जो पार्टी है ये शिवीना ने शुरू करी है, और क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा कि कैसे शिवीना और शुभम दोनों ही काफ़ी गिल्ट में थे, और क्योंकि वो राम जीजू को सौतेला बोल दिया था उन्होंने, एंड देन दे हैड द रियलाइजेशन कि उन्होंने गलत किया। तो शिवीना ने कहा कि चलो ठीक है, ऑन अ पॉजिटिव नोट एक पार्टी थ्रो करते हैं, गेट टुगेदर करते हैं, सब लोग मिलते हैं, खुशी मनाते हैं, नाच गाना करते हैं। आउटफिट इस पार्टी का थीम है। वैसे डांस करते करते आपकी नजर भी प्रिया के पहने हुए कंगन पर जरूर गई होगी, क्योंकि आपको बता दे इस पार्टी में अगला ट्विस्ट कंगन का ही आने वाला है। अब इस कंगन की कहानी तो आप सब जानते हैं कि राम के माँ की निशानी है, तो ऐसे में अगर ये निशानी गायब हो गई तो क्या राम कपूर प्रिया से नाराज हो जाएंगे? क्योंकि वो राम जीजू की माँ का कंगन है और वो राम जीजू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्रिया दीदी के लिए भी वो उतना इंपॉर्टेंट हो गया। उनको चोट लगी हुई है फिर भी वो कंगन पहने हुए हैं, तो हाँ चल रहा है कंगन ड्रामा भी। रोमांस एक्चुअली यू नो बिना एक्सप्रेस करे हुए, इट्स ऑलवेज इन द एक्शंस, तो वो एक्शंस में दिख रहा है कि राम और प्रिया को धीरे धीरे एक दूसरे से प्यार हो रहा है। हाँ भाई, देखिए अगर सब कुछ बता देंगे ना तो आगे ट्विस्ट देखने में आपको ज्यादा मजा नहीं आएगा, इसीलिए थोड़ा सा इंतजार तो बनता ही है। मुंबई से सुरभि रणसिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ABP News, आपको रखे आगे।